हेलो गाइस, आ गया एक न्यू ब्लॉग का साथ वापिस आप लोग का साथ। ये यूट्यूब चैनल का मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, आप लोग जरूर सपोर्ट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये मेरा लाइफ का पहली ब्लॉग है यूट्यूब चैनल पर, आप लोग फुल सपोर्ट करना भाई, अपना दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को। और जो ये ब्लॉग है, इस ब्लॉग का जो मेन पॉइंट है ना, इस पॉइंट के बारे में बताने वाला है। जो आगे ये तालाब देख रहे हैं ना, इस तालाब के बारे में बताने वाला है हम लोग। जो तालाब है, बहुत पुराने ज़माने में यहाँ पे मेरे बहुत सारे जिन था, भूत था, बहुत कुछ यहाँ पे सुनाई दे रहा है, तो ये कहानी आप लोग को बताने वाला है। तो चलो ब्लॉग को स्टार्ट करता है और कहानी को आप लोग को वहाँ पे आगे जाके बताने वाला है। चलो आ जाओ। इस तालाब को इधर से स्टार्टिंग करता है हम लोग, उधर से जाके आप लोग को मेन पॉइंट दिखाने वाला है, ठीक है गाइस। इस तालाब आप लोग को दिखाते हैं हम लोग, अभी आ जाओ। तालाब की रास्ता ऊपर है, आप लोग को दिखाने वाला है तालाब को। इधर से तालाब का ज्यादा अच्छा व्यू नहीं आता है आप लोग को, फिर भी इधर से दिखा दे रहे हैं हम लोग। देख लो इधर से तालाब को, चारों तरफ भी दिख के व्यू दिखा दे रही। आप लोग चारों तरफ का व्यू देख लो, कितना सुंदर है यहाँ पे व्यू। इधर भी देख लो व्यू, कितना सुंदर व्यू है यहाँ पे। यहाँ पे टी का फैक्ट्री भी है यहाँ पे, उधर भी टी का फैक्ट्री है, इधर पेट्रोल पंप है, इधर से इधर हम लोग का नदी पड़ता है, तो यहाँ पे लोग बालू भी उठाता है घर बना कर लेने के लिए। इधर से हम लोग का हाईवे भी है, गाड़ी चलता है इधर से, देख लो। चलो आगे चलता है, इधर से तालाब का व्यू दिखाता है। यहाँ पे आगे बहुत सारा मंदिर है, मंदिर भी दिखाता है आप लोग को। यहाँ का आपको फुल कहानी बताने वाला है हम लोग, आए आ जाओ। देख लो इधर कितना सारा पेड़ है, यहाँ पे अभी पेड़ है। गाइस ये तो इस पेड़ को आप लोग तो जानते होंगे, कोई जानता है कोई नहीं जानता, ये ताल का पेड़ है, ठीक है। जो ये पेड़ लगाता है वो खा नहीं सकता है, इस पेड़ को जो लगाएगा वो नहीं खा सकता है, उसका बेटा का बेटा खा सकता है। लेकिन इसका जब तक इसका जड़ जो है ना समुन्द्र का नीचे नहीं जाएगा तब तक इसमें फल नहीं होगा, ठीक है। तो इस पेड़ को देख लो ठीक से, इस पेड़ का नाम है ताल, ताल का गाछ है, ताल, जो आप लोग ताल खाते हो ना उसका एक पेड़ है ये। देख लो कितना सारा पेड़ है यहाँ पे ताल का, जो ये लगाया गया वो तो जिंदगी में खा नहीं सकता है, उसका लड़का लड़की भी नहीं खा सकते है। बहुत सारा पेड़ है यार, ताल का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये देख सकते हो आम का पेड़ है ये। ये गुलाब जामुन का पेड़ है, यहाँ पे इतना सारा पेड़ है, ये भयानक, इतना भयानक जगह है ना, जब यहाँ पे अंधेरे हो जाता है तो कोई आने में कोई नहीं आएगा इस जगह में, जो आएगा सब डर से मर जाएगा सब, इतना भयानक जगह है ये। देख लो यहाँ पे एक मंदिर है, ये मंदिर है या खबर है मुझे भी मालूम नहीं पड़ रहा क्या है। जो आगे देख लो मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है MD हबीबुल, इसका नाम है, क्या भाई कुछ बता सकते हो इस बार इसके बारे में। ओ ये जगह बहुत भयंकर है जगह, ये यहाँ आने से पूरा
घबरा गया मैं यहाँ, बहुत डर लगता है ना यहाँ पे आने से, डर लगता है, बहुत भयानक जगह है गाइस यहाँ का। चलो आगे जो मंदिर है उसको भी दिखाते हैं, आ जाओ। देखो यहाँ पर एक मंदिर है, एक दो तीन चार, यहाँ पे पूरा चार मंदिर है, ठीक है। चलो आगे तालाब की तो आप लोग को जो कहानी है उस कहानी को बताते हैं, आ जाओ। इधर से तालाब का रास्ता पड़ता है, ठीक है, इधर से जाएंगे हम लोग। जो लोग यहाँ पे आते हैं मंजी कर रहे हैं, जो भी मांगते हैं ना, इधर से जा रहा है, इधर से रास्ता है, तो आगे से तो रास्ता नहीं है, इधर से ही जाना पड़ता है हमें। जो इस तालाब का कहानी है ना, जो उस कहानी को बताने वाला है मेरा दोस्त बताने वाला है, एमडी शरीफ, जो अभी हम लोग का कैमरामैन है वही बताने वाला है। उसका भी यूट्यूब चैनल है, उसको भी फुल सपोर्ट कर देना। जो ये तालाब है उसको 360 व्यू में अभी दिखाने वाला है। चलो गाइस, इस तालाब के बारे में जो भी कुछ बताने वाला है ये एमडी शरीफ बताने वाला है, चलो बताओ। हाँ तो गाइस, ये तालाब ऐसी है कि ये तालाब एक जादुई तालाब की तरह, आप अगर कोई भी अगर मन्नत मांगेंगे या फिर मन्नत चाहेंगे तो इस तालाब में आकर या फिर घर बैठे आप वो मन्नत मांग लीजिए, तो आपका जो मन्नत है ना वो 50% गारंटी जो आपका होता है कि पूरा होता है। यहाँ के लोग ऐसे मानते हैं, मैं नहीं कह रहा कि यार, यहाँ के लोग ऐसे मानते हैं, हम लोग का गाँव के लोग ऐसे मानते हैं। फिर उसके बाद मन्नत पूरा होने के बाद फिर लोग आते हैं साल में एक बार, जिस दिन यहाँ पर पूजा होता है यहाँ पर वह इस तरह से भेंट चढ़ाते हैं या फिर प्रसाद चढ़ाते हैं और कुछ करते हैं। लेकिन यह एकदम रहस्यमय तालाब है। इस तालाब में तो कहा जाता है, कुछ लोग तो कहते हैं कि इस तालाब में के अंदर एकदम पूरा एकदम ये भरा एकदम खजाना भरा हुआ है, पूरा एकदम खजाना सोना चांदी इस तरह के कुछ चीज़ें ऐसी भरी हुई है इस तालाब में, लोगों का मानना है यही, जहाँ तक मैंने सुना है। लेकिन मैंने तो कभी देखा नहीं है कि खुद की आँख से यहाँ पर खजाना था या खजाना भाई, खजाना देखने से तो हम लोग भी उसको ले लेते हैं, हम थोड़ी किसी को कहते हैं कि यहाँ पर खजाना था। जहाँ तक हम लोगों ने सुना है कि हम लोग का जैसे कि दादा दादी हो गया, पिताजी हो गया, या फिर उससे बुजुर्ग लोगों से सुना है कि यहाँ पर जो मुद्दा था, यहाँ पर बहुत सारे खजाना है, यहाँ पर बहुत से एकदम से देवी देवता रहते हैं, जैसे कि हो गया काली, शिव, जिन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे देवी शक्ति वाला देवता रहते हैं। तो यही बस यही थी इसकी कहानी। ठीक है भाई, आप लोग को तो ये कहानी बता दिया, तो आप इस ब्लॉग को देखने के बाद आप लोग ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ये मेरा यूट्यूब चैनल फर्स्ट ब्लॉग है, इससे पहली बार मैं कभी यूट्यूब में ब्लॉग नहीं अपलोड किया, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो आप लोग फुल सपोर्ट करना ब्लॉग के लिए। जो ये तालाब की वीडियो आप लोग को दिखाया भाई, बहुत रिस्क लेके ये वीडियो बनाया मैंने, तो भाई आप लोग ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को अपना दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को स्क्रीन पे दिखेगा, स्क्रीन पे आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, ठीक है।